मॉर्निंग क्लास, क्लास 7 के सभी बच्चे जो 6 से पास आउट होकर 7 में आ गए हैं, उन सभी का क्लास 7 में स्वागत है। हम 7 क्लास की एसएसटी के अंतर्गत हमें 3 बुक पढ़नी है। सामाजिक विज्ञान की 7 क्लास के अंतर्गत 3 बुक है, जिसमें पहली किताब का नाम इतिहास है, दूसरी का राजनीति विज्ञान और तीसरी का भूगोल। इन तीनों पुस्तकों को पढ़ने के बाद हमारा जो एसएसटी का सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। तो सरकार द्वारा निर्देश के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ पार्ट जो है वह हटा दिया गया है, काट दिए गए हैं कुछ लेसन, कुछ टॉपिक, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले जो बुक पढ़ेंगे उसका नाम है इतिहास हमारा अतीत। पुस्तक का नाम है हमारा अतीत इतिहास भाग 2। तो देखिए इसके अंतर्गत हमारा जो पार्ट है, पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट का जो नाम है वह है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल की। लेसन का जो नाम है वो बताता है कि हजारों वर्षों पहले जो परिवर्तन हुए उसकी हम जांच पड़ताल कैसे करें, उसके बारे में जानकारी कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले इसके अंतर्गत जब आप बुक खोलेंगे, बुक का जो पेज नंबर है, पेज नंबर 1 पर एक नक्शा बना हुआ है ना, इस प्रकार का एक इसके अंतर्गत नक्शा दिखाई दे रहा है, ऐसा नक्शा दिखाई दे रहा है। इस नक्शे को जब आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि अरब देश का एक भूगोल बेटा था, और भूगोल विषय का जानकार, भौगोलिक जानकार, उसका नाम था अल इदरीसी। क्या नाम था भाई उसका? अल इदरीसी, है ना, भूगोल की जानकारी रखने वाला एक अरब देश का रहने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम था अल इदरीसी ने 1154 में, कब 1154 में, अभी क्या चल रहा है 2020 चल रहा है और हम बात कर रहे हैं 1154 की। तो 1154 में उनने एक नक्शा बनाया, क्या बनाया था? नक्शा, मानचित्र बनाया था। यहाँ जो नक्शा इस किताब के अंदर जो नक्शा दिया है ना, वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र का एक हिस्सा बताया जाता है कि ये जो नक्शा है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो मानचित्र है ना उसका एक हिस्सा है, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है कि इसके अंतर्गत जो भारत देश है विश्व के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमारा भारत भी दिखाई देता है इस नक्शे के अंदर। 1720 में फिर एक और चित्रकार आए, फ्रांसिस, ये तो कौन थे? अरब के थे, है ना। अब एक और चित्रकार आया, फ्रांसीसी चित्रकार, कौन सा? फ्रांसीसी चित्रकार। इस फ्रांसीसी चित्रकार ने भी क्या करा भाई? मानचित्र बनाया, है ना। इसने 1720 में मानचित्र बनाया, कब बनाया? 1720 में। फ्रांसीसी चित्रकार आया, उसने 1720 में एक मानचित्र बनाया। अगर हम दोनों नक्शों को देखें, है ना, तो एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। नक्शा बना हुआ दिखाई दे रहा है, अरब के जो अल इदरीसी ने बनाया था वो भी दिखाई दे रहा है, फ्रांसीसी चित्रकार था उसने बनाया वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है भाई? अंतर दिखाई दे रहा है कि दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर है। अल इदरीसी ने जो नक्शा बनाया था उस नक्शे में दक्षिण भाग, उस दक्षिण जो है वह दक्षिण भारत उस जगह है जहां पर आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। तो अल इदरीसी ने जो नक्शा बनाया था, इसके द्वारा जो नक्शा बनाया है वो कहां पर है? उसके
इसके अंदर हम भारत ढूंढे तो भारत कहाँ मिलेगा? भारत मिलेगा दक्षिण में। कहाँ मिलेगा? दक्षिण में। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूरब। तो अयोध्या के द्वारा जो नक्शा बनाया गया है उसमें भारत कहाँ मिल रहा है? भारत दक्षिण नक्शे में। दक्षिण भारत उस जगह है जहां पर आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। जहां पर आज उत्तर भारत है वहां पर दक्षिण भारत दिखाई दे रहा था। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की ओर था, और जो भारत के नीचे नक्शे में श्रीलंका होता है ना वो नीचे होता है, लेकिन इस नक्शे में ऊपर दिखाई दे रहा था। जगहों के नाम अरबी में लिखे हुए थे। जो भी जो देश है ना उनके नाम किस में लिखे हुए थे? वही अरबी में दिखाई देते थे, और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी थे। उसके अंदर ऐसे बहुत से नाम थे जिनको हम जान सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश का कनौज, कनौज का नाम आपने सुना हुआ होगा, भाई छठी क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं। तो उत्तर भारत का एक शहर है जिसका नाम है कनौज। मानचित्र दो, अगर हम मानचित्र दो की बात करें तो इसके अंतर्गत लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। जो मानचित्र दो है, पहले मानचित्र के बनने के जो पहला मानचित्र अल इदरीसी ने बनाया था, उसके बाद जो इदरीसी मानचित्र बना वो 600 वर्षों बाद बना था, है ना? तो 600 वर्षों के बाद ये मानचित्र बनाया गया था। इस कालावधि में, इस समय अवधि में उपमहाद्वीपों के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। तो 600 वर्षों के अंतर्गत, इन 600 वर्षों के अंतराल में ऐसी बहुत सी सूचनाएं थी जो क्या हो गई थी भाई, बदल सी गई थी। जो पहले कहीं दिखाई देता था वो अब आज उपमहाद्वीप के बारे में जो सूचनाएं हैं वह बदली हुई नजर आ रही थी। ये नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, यानी कि अगर हम फ्रांसीसी वाला नक्शा देखें तो ये हमें ज्यादा परिचित लगेगा। क्यों? क्योंकि यह आज के नक्शे से कुछ जाना पहचाना सा लगता है, इसलिए इसको देखने के बाद उसमें विशेषकर तटीय इलाके के बारीक ब्योरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे भाई, फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक था उसने जो नक्शा बनाया था उसका इस्तेमाल कौन करते थे भाई? उसका इस्तेमाल जो व्यापारी होते थे, समुद्र में यात्रा करने वाले जो व्यापारी होते थे, नाविक होते थे, वह इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेजों, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं का, संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब मानचित्र बनाता है, मानचित्र का अंकन करता है, तो उसके अंदर उस इतिहासकारों को बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बीते युग, जो समय बीत गया, उस समय के दस्तावेज, है ना, उस समय के नक्शे, उस समय के लेख, इन सभी को अध्ययन किया जाता है। तो ये तो था थोड़ा सा पार्ट का इंट्रोडक्शन कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ जो हजारों वर्षों में जो परिवर्तन हुए ना उन परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले हमने इस लेसन के अंदर सिर्फ परिवर्तन में ये देखा कि एक भूगोल वेत्ता है, भूगोल का जानकार है जिसका नाम है अल इदरीसी, उसने 1154 के अंदर एक नक्शा बनाया है। उस नक्शे में जो दक्षिण भारत है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? आज के उत्तर भारत की जगह दक्षिण
मान ले जाते थे उसके अंदर इन नक्शों का यूज किया जाता था। रास्ता पता करने के लिए इन नक्शों का क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई कि जो दूसरे युग का मानचित्र का अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था, यानी कि इस युग में जब तक बना नक्शा उस समय का विज्ञान जो था पूर्ण रूप से बदल चुका था और इतिहासकार जो थे वो पुराने बीते हुए युग के दस्तावेजों से, नक्शों से और लेखों से ये अध्ययन करते थे और सूचनाएं प्राप्त करते थे कि कहां पर कैसे क्या कब हुआ है। ठीक है भाई, इसके आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज मैं यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करती हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि अभी तक आपने जो देखा पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।